सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। अगर लाइट चली जाए तो सक्शन कैसे करें, आपने भी देखा होगा या आपको भी समस्या आई होगी। अगर आप घर पर किसी भी पेशेंट की केयर कर रहे हैं, बाय चांस अगर लाइट चली जाती है तो सक्शन मशीन चलती नहीं है, अगर डबल बैटरी होते हैं ना इन्वर्टर पर डबल बैटरीज लगी हुई है तो भी सक्शन मशीन चलने में काफ़ी मुश्किल आती है, इतना लोड मिलता नहीं है, तो ऐसे में आप मैनुअल सक्शन मशीन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पेशेंट को शिफ्ट करवाना है, घर पर लेकर जा रहे हैं या फिर घर से आप हॉस्पिटल में लेकर जा रहे हैं, तो अगर सफ़र जो है काफ़ी घंटों का है या फिर कोई भी कंडीशन जहाँ पर आपको बिजली का सोर्स नहीं मिलता, तो आपको ये मैनुअल सक्शन मशीन काफ़ी काम आने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस सक्शन मशीन को कैसे यूज़ करना है, साथ ही इसके आपको कौन कौन से एडवांटेज मिलेंगे और कौन कौन से आपको डिसएडवांटेज मिलने वाले हैं। तो वेलकम बैक गाइज, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सनी कुमार, और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, इस वीडियो में पहले तो हम फटाफट बात कर लेते हैं इस मशीन के एडवांटेज की। तो गाइज, जो मैनुअल सक्शन मशीन होती है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि ये मैनुअली चलती है, मतलब कि आपको सिर्फ पैरों से पैडल मारना है और बिना किसी बिजली के ये काम करती है, सक्शनिंग करती है। दूसरा एडवांटेज क्या मिलता है कि ये बहुत ही कम खर्च में आपको मिल जाती है। जो दूसरी सक्शन मशीन है वो आपको 4500 के अराउंड की मिलती हैं और ये काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं उन सक्शन मशीन के मुकाबले में। और जो तीसरा एडवांटेज है वो है कि ये पूरी तरह से पोर्टेबल होती हैं। इनको आप अगर पेशेंट को शिफ्ट करवा रहे हैं ना और थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप इजीली शिफ्ट करवा सकते हैं और मैनुअली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और जो चौथा एडवांटेज आपको मिलता है कि ये बहुत ही लाइट वेट की होती हैं, इसलिए इनको काफ़ी ईजिली यूज़ किया जा सकता है। ठीक है गाइस, तो ये तो थी इसके एडवांटेज की बात, आगे बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो गाइस, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज मुझे लगा वो है सेल्फ पैडलिंग का, मतलब कि खुद पैरों से इसको चलाना पड़ता है और अगर सक्शन बारी बारी आ रहा है ना तो जो सक्शन करता है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है सक्शन को करते करते, तो ये मुझे इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगा। और गाइस, जो दूसरा मेरे को इसका डिसएडवांटेज लगा वो है इसका जो वैक्यूम प्रेशर होता है ना वो अच्छा सा नहीं होता जो कि दूसरी सक्शन मशीन में मिलता है, इसीलिए ये एक काम चलाने के लिए ठीक है। अगर आपके पास लाइट का सोर्स नहीं है या फिर लाइट ज़्यादा टाइम तक कट करती है ना, लाइट आती नहीं है, तो एज ए बैकअप के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गाइज, अगर आप परमानेंटली चाहते हैं कि आप इसको यूज़ करें तो गाइज मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इसे बाय करें, लेकिन एज ए बैकअप के लिए बहुत ही अच्छा है, खासकर उन लोगों के लिए, उन एरियाज़ के लिए जहाँ पर लाइट नहीं आती, तो आप इसे बाय करके ज़रूर रखें, काफ़ी अच्छा है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बोल रहा मैं आपको। ओके गाइज, तो ये थी इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात। आगे मैं आपको सीधा इसकी मशीन के बारे में बताता हूँ कि ये कैसे काम करती है और इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइस, चलिए सीधा हम अब मशीन को देखते हैं। तो गाइस, ये होती है मैनुअल सक्शन मशीन। ओके, तो पहले तो मैं आपको ना इसका वैक्यूम मीटर दिखा देता हूं, काफी लाइट वेटेड है और ये देखिए यहाँ पर ये वैक्यूम मीटर होता है जो कि वैक्यूम प्रेशर को बताता है, इंडिकेट करता है, ठीक है। और ये यहाँ पर आप इसे जब दबाएंगे पैर के साथ तब ये वैक्यूम प्रेशर को जनरेट करेगा, वैक्यूम को बनाएगा, ठीक है। और पहले मैं इसको भी साइड में कर देता हूँ एक बार। तो गाइस, यहाँ पर दो चैम्बर आपको दिख रहे होंगे और दोनों के अंदर सिक्रेशंस इकट्ठे होते हैं। इसके अंदर पहले सिक्रेशन इकट्ठा होगा जो कि सक्शन कैथेटर से जुड़ा होता है आगे से, ठीक है, इसके अंदर। और ये जो दूसरा है इसमें भी वैक्यूम प्रेशर बनता है, साथ ही सिक्रेशंस भी कलेक्ट होते हैं। खोल भी देता हूँ एक बार, आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखिए ऐसे ये खुल जाता है बिल्कुल ईजिली, लेकिन गाइस इसमें आप सिक्रेशन कलेक्ट ना होने दें, पहले ही फर्स्ट चैम्बर को खाली कर दें आप, ठीक है, और इसके अंदर ही कलेक्ट होने दें। ये आपका डायल है,
जो प्रेशर को जनरेट करता है, इंडिकेट करता है सॉरी। और यहाँ पर मैं आपको लगाकर दिखा देता हूँ, एक सक्शन कैथेटर मैंने रखा हुआ आपको दिखाने के लिए। तो इसकी टिप पर आपने प्लेन सक्शन कैथेटर को कनेक्ट करना है, और मेरे पास ना एक ओरल सक्शन कैथेटर है, ओरल जिससे करते हैं ना, तो एक हाथ से गाइस लगेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि लगा दूँ। तो देखिए कुछ ऐसे कनेक्ट करते हैं। वैसे तो आप जो है थंब कंट्रोल सक्शन कैथेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी टिप को निकाल देना, ठीक है। और अब मैं आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ कैसे यूज़ होता है। तो गाइस पैर को आपने देखिए ऐसे रखना है, पैडल सक्शन पंप भी बोलते हैं, पैर से चलने वाला जो सक्शन पंप होता है। तो देखिए आगे जो टिप है उसको आपने पिंच करके रखना है, और आपने ऐसे पैडल मारने हैं, और धीरे धीरे जो प्रेशर है वो जनरेट होगा। प्रेशर जो वैक्यूम है उसको आपने कोलेक्ट करके रखना है, पिंच करके रखना है, जितना आपको प्रेशर चाहिए आप उतना जनरेट कर लें, और उसके बाद आप सक्शन करें, ठीक है। यहाँ पर जो नॉर्मल प्रेशर है वो 80 से 120 के बीच में होता है, तो देखिए यहाँ पर आप प्रेशर रिलीज़ करेंगे तो ये दोबारा से ठीक हो जाएगा। दोबारा प्रेशर जनरेट करें, वैक्यूम जनरेट करें, और जितना आपको प्रेशर चाहिए आप अपना बनाएं, और उसके बाद सक्शन करें, या फिर आप सक्शन भी कर सकते हैं साथ में पैडल भी मार सकते हैं। ओके गाइस, तो देखिए बहुत ही अच्छा ये वैक्यूम मशीन है। और मैं अगर आप एज ए बैकअप के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है, साथ ही आपको 1500 रुपये में मिल जाता है, और बैकअप के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर जहां पर लाइट नहीं होती तो आप बेशक इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, और एज ए बैकअप तो बहुत ही बेहतरीन है। तो आप इसे अमेज़न से बाय करना चाहते हो ना, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं, आपको 1500 रुपये के अराउंड का मिल जाएगा ये। ओके तो गाइज आज की हमारी वीडियो थी मैनुअल सक्शन मशीन के ऊपर। आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपके लिए यूजफुल होगी। तो गाइज ऐसी ही यूजफुल वीडियोस और टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।